मां नर्मदा नदी के भक्तों द्वारा नर्मदा नदी की परिक्रमा की जा रही है। 60 दिन के अंदर नर्मदा नदी की परिक्रमा पूरी की जाएगी। परिक्रमा 8 लोगों के द्वारा की जा रही है। यात्रा ओमकारेश्वर से प्रारंभ की गई है। 3 दिन की यात्रा कर परिक्रमावासी कसरावत पहुंचे। कसरावत नगर में माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया गया। परिक्रमावासी नर्मदा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश में जल्द ही कोरोना वायरस समाप्त हो, देश में सुख समृद्धि और शांति हो, सरकार किसानों की समस्या सुने और उसका समाधान करे। जो परिक्रमा नर्मदा परिक्रमा निकले हो, कितने दिन में पूरी होगी आपकी परिक्रमा? मात श्री नर्मदे हा, नर्मदा परिक्रमा जो माँ के हम परिक्रमा करेंगे और ये करीब करीब 60 दिवस के अंदर हमारी परिक्रमा पूर्ण करने का लक्ष्य है। कहाँ से शुरू की है आपने? हमने ओंकारेश्वर से स्टार्ट करी और आज तीसरा दिवस है हमारा। आज हम दिलीप भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि जो उन्होंने हमारे परिक्रमा वासियों का स्वागत सत्कार करा और भोजन प्रसादी भी करे। उन्हें मात नर्मदे मैया से भी प्रार्थना करेंगे कि उनके यहाँ सुख समृद्धि बनी रहे। आज कसरावत पहुँचे हैं आप जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आप देश के लिए? आज जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और मैं यही संदेश दूंगा और यही प्रार्थना भी करूंगा कि माँ नर्मदा सरकार को भी सद्बुद्धि दे कि किसानों पर जो इतनी कड़क ठंड में जो अत्याचार हो रहा है, जल्दी से जल्दी किसानों की जो समस्या है उनको सुने और समस्याओं का हल करे और सुख समृद्धि बनी रहे और कोरोना वायरस जो करीब 7-8 महीने से जो आ रहा है वो भी ईश्वर से और माँ से प्रार्थना करेंगे कि जल्दी से जल्दी कोरोना वायरस भी हमारे देश से समाप्त हो जाए और स्वच्छता का भी हम देंगे कि अच्छे से अच्छे साफ सुथरा शहर रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ नर्मदे हा। कितने लोग हैं यात्रा में? हमारे साथ 8 लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहन मलगाया है, मैं सनावत से हूँ और विधायक सचिन बिरला जी का प्रतिनिधि। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।